Subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है होल्डिंग टैंक। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था मरकरी थर्मामीटर की, आज का वीडियो है वो होल्डिंग टैंक। तो जैसे आपको नाम से क्लियर पता चल रहा है कि होल्डिंग टैंक मीन्स किसी चीज़ को स्टोर करके कोई फ्लूड इन करे कोई फ्लूड आउट करेगा, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो होल्डिंग टैंक की आज हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है, इसकी कैसे डेरिवेशन इसके किए जाते हैं। तो ये आपको क्लियर तब होगा जब आप इसका फिगर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका फिगर बनाया जाता है। तो ये हमारा बेसिकली एक होल्डिंग टैंक है, सिंपल सा, ठीक। इसमें कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है जिसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है क्यू आई, और इसका लेवल जो मेंटेन किया गया है वो है एच हाइट तक, ठीक। और इससे जो हमारा फ्लूड आउटलेट हो रहा है उसमें रेजिस्टेंस आर है और आउटलेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्यू नॉट है। ये जो हमारा फ्लूड इसमें स्टोर हुआ है उसका एरिया जो है वो है ए मान लेते हैं, और फ्लूड की डेंसिटी रो। ये हमारी सिंपल सी इसके कंस्ट्रक्शन है, ठीक। ये तो हमारे इसका कंस्ट्रक्शन है। तो जो हमारा क्यू आई है और क्यू नॉट है, ये इनलेट का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, ये आउटलेट का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ समझने वाली चीज़ है, जो हमारी क्यू नॉट होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक हमारी एच हाइट पे और एक हमारे रेजिस्टेंस आर पे। तो इसके लिए हम शुरुआत में लिख लेते हैं यहीं पर कॉर्नर पे, क्यू नॉट इक्वल टू एच अपॉन आर। ये आपको आगे यूज करनी है इसलिए हमने पहले ही बता दिया इसको। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डेरिवेशन, कैसे डेरिवेशन किया जाता है। तो सिंपल से वही बात है, इसमें मास मास का फ्लो हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, मटेरियल बैलेंस। तो देखते हैं मटेरियल बैलेंस अराउंड होल्डिंग टैंक एट अनस्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये आपको लिखना है। अब इसको करना कैसे है, तो इसको देखते हैं, रेट ऑफ मास इनपुट, कितना मास इन हो रहा है इसमें, माइनस रेट ऑफ मास आउटपुट इक्वल टू रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन, रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन मतलब कितना इन हुआ माइनस कितना आउट हुआ और टोटल इसमें कितना बचा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं कितना इन हुआ। जैसे हम क्या जानते हैं, द्रव्यमान बराबर आयतन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक। इसी का फंडा यहाँ यूज करेंगे। मास द्रव्यमान क्या था इसका, क्यू आई इंटू घनत्व कितना था, रो। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व ये हमारा हो गया, माइनस रेट ऑफ मास आउटपुट, मास आउटपुट में क्या होगा, मास कितना आउटपुट हो रहा है, क्यू नॉट इंटू डेंसिटी रो। इतना तो समझ में आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, कितना बचा, डी अपॉन डी टी आयतन गुणे घनत्व, तो क्या करेंगे, अब इसकी बात करेंगे कितना इसमें बचा हमारा। तो क्या होता, घनत्व तो हमारा रो है ही पहले से, आयतन आयतन कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू इसकी हाइट, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा ना, एरिया इंटू हाइट, ये तो हमारा इक्वेशन बन गया ना। तो इसमें सिंपलीफिकेशन के लिए क्या कर लें, रो 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 तीनों जो कॉमन है इसे हम कट कर देते हैं, ठीक। क्यू नॉट इक्वल टू डी अपॉन डी टी एरिया इंटू हाइट, इतना सही है, ठीक। अब क्या करें, हमने क्यू नॉट की वैल्यू पहले से हम फाइंड कर रखी है एच अपॉन आर, तो यहाँ हम फिल करें, क्यू आई माइनस एच अपॉन आर इक्वल टू डी अपॉन डी टी, एरिया को हम बाहर ले आते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और डी एच अपॉन डी टी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये था हमारा अनस्टडी स्टेट कंडीशन के लिए। अब हम बात करते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए, स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए हम बात करते हैं। तो क्या होगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जहां हमारी वेरिएबल्स हैं वहां की सफिक्स में हम एस लगा देते हैं। तो देखते हैं कैसे, क्यू आई एस माइनस एच एस अपॉन आर इक्वल टू ए डी अपॉन डी टी एच एस, ठीक। ये तो हमारा इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं क्योंकि हमारी स्टेडी स्टेट कंडीशन में कोई भी चेंज जीरो होता है, ठीक। ये हो गया हमारा इक्वेशन टू। अब सिंपल सी बात वही हमें करना है, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल से हम लिखें पहले,
क्यू आई माइनस एच अपान आर माइनस क्यू आई एस माइनस एच एस अपान, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसे, एच एस अपान आर इक्वल टू क्या हुआ हमारा, ए डी एच अपान डी टी माइनस ए डी एच एस अपान डी टी। ये हमारा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन हो गया। अब हम देखते हैं ऊपर इसे लिखते हैं कि कैसे क्या हुआ है, ऊपर हम देखें इसे लिख के। तो क्या करेंगे अब इन दोनों को एक साथ लाना है, क्यू आई और क्यू आई एस, एच और एच अपॉन एस को। तो क्या होगा, क्यू आई माइनस क्यू आई एस, इसको एक ब्रैकेट में कर लें, माइनस इसको एक साथ करें, तो इसमें वन अपॉन आर कॉमन आ रहा है, आपने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, एच माइनस एच एस। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब बढ़ते हैं इस इधर साइड में, ए दोनों जगह पे कॉमन है तो ए कॉमन ले लेते हैं, और डी अपॉन डी टी तो कॉमन है ही, बचता क्या है, एच माइनस एच एस, एच माइनस एच एस। ठीक, ये हमारे हो गए। अब सिंपल सी बात, मैंने बोला था ना कि इसको हम कुछ मान लेते हैं, तो क्या माने, लेट माना क्यू आई माइनस क्यू आई एस इक्वल टू क्यू टी मान लेते हैं। ठीक, और h माइनस एच एस को मान लेते हैं एच टी, इसको हमने एच टी मान लिया। ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पर, तो क्या होगा, क्यू टी माइनस वन अपॉन आर एच टी, ठीक, इक्वल टू ए अब डी अपॉन डी टी, और यहाँ हो जाएगा एच टी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या करना हमें। अब सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, दोनों साइड में हमें लाप्लास लेना है, बोथ साइड लाप्लास लेने पर, बोथ साइड में लाप्लास हमने ले लिया, लाप्लास हम लेंगे तो क्या होगा, एल हम लिख देंगे आगे। ठीक, और लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, जहां टी है वहां हम एस में कन्वर्ट कर देंगे, क्यू एस माइनस वन अपॉन आर एच एस इक्वल टू ए, और यहां फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे, क्या होगा हमारा फार्मूला, एस एच एस माइनस एच जीरो, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं जीरो होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, सिंप्लीफाई करें इसको, क्यू एस माइनस वन अपॉन आर एच एस इक्वल टू ए एस एच एस। ठीक, इतना हो गया। अब एच एस की वैल्यू हम इधर ले जाएं, क्यू एस इक्वल टू, तो एच एस एच एस हम कॉमन ले लेते हैं इधर में ही, तो क्या बचेगा, ए एस प्लस वन अपॉन आर, यही बचा ना। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इधर करें, क्यू एस इक्वल टू एच एस, क्या होगा, ए आर एस प्लस वन अपॉन आर। ठीक, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अब मैंने बोला था एस से पहले जो टर्म होते हैं उसे हम टाउ मान लेते हैं, तो यहाँ क्या मानेंगे, टाउ इक्वल टू ए आर। ठीक, यहाँ टाउ टाइम कांस्टेंट है, तो क्यू एस इक्वल टू एच एस, ब्रैकेट में क्या होगा, टाउ एस प्लस वन अपॉन आर। अब हम जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये ट्रांसफर फंक्शन हमारे होते हैं। तो आउटपुट हमारे क्या हुए, एच एस, एच एस हमारा आउटपुट, और इनपुट हमारे क्या हो रहा था, क्यू आई, तो क्यू एस। ठीक, यह हम आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, एच एस अपॉन क्यू आई एस इक्वल टू आर अपॉन टाउ एस प्लस वन, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया होल्डिंग टैंक के लिए। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, जैसे आप एक डेरिवेशन करना सीख जाएंगे, ऑटोमेटिक थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है शुरुआती कंडीशन में, जिससे आप सीख जाएंगे। तो ये था हमारा होल्डिंग टैंक का डेरिवेशन, और अगला जो वीडियो हमारा होगा वो आरसी सर्किट पे होगा, और दूसरे जो दो चार बच्चे हैं जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।